हे गाइस नमस्कार। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण, विदेशी निवेश पर्वा 2021 में गिरा और कोहली प्रगतिया कोहली भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है, अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में मिलाने का निर्णय लिया है सरकार द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 216 फुट की स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण करेंगे। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति संसाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से बना है, जो इस धरती पर संत के 120 वर्षों के उपलक्ष्य में है। मूर्ति पंच लोहा से बनी है, जो 5 धातुएं सोना चांदी तांबा पीतल और जस्ता का मिश्रण है। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी दुनिया की बैठने की मुद्रा दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इस प्रतिमा की आधारशिला 2017 में रखी गई थी। इस साल रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। प्रतिमा के 66 फुट ऊंचे आधार को भद्र वेदी कहा जाता है। रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह एक भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें सभी जाति पंथ नस्ल और लिंग के लिए मंदिर के दरवाजे खोले। वे विशिष्ट अद्वैत के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में 26% की गिरावट आई है। अंकटॉड UNCTAD के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2021 में कम विलय और अधिग्रहण दर्ज होने के कारण भारत में FDI प्रवाह में कमी आई है। 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के एक मजबूत प्रतिशेष दिखाया है। यह 2020 में 2029 बिलियन डॉलर के 27% अधिक बढ़ा है। विकासशील अर्थव्यवस्था में FDI प्रवाह में 30% की वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका महामारी के पूर्व स्तर के करीब पहुंच गया है। दक्षिण एशिया में FDI प्रवाह 2021 से 71 अरब डॉलर से 26% घटकर 54 अरब डॉलर रह गया है। सीमा पार विलय और अधिग्रहण में वृद्धि के कारण संयुक्त राज्य में FDI प्रवाह 2 गुना हो गया है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में FDI प्रवाह में भी 20% की वृद्धि हुई है। चीन में FDI प्रवाह में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक देश में एक फॉर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायी हितों में किया गया निवेश है। अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली भारत की पहली UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में वह जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करती है। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य महिला अधिकार और बालिका शिक्षा की दिशा में उनके काम के लिए इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। UNDP ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई में अधिकतम युवाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह 170 से अधिक देशों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। असीम स्टेनर UNDP के वर्तमान प्रशासक है। सरकार ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को याद में किया गया था। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी भारतीय सैनिकों के लिए बनाया गया था जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। इसमें उन सभी भारतीय रक्षा कर्मियों के नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947 से 1948
47-48 की युद्ध से लेकर चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में संघर्ष तक विभिन्न अभियानों में अपनी जान गंवाई। इसी के साथ आज का लेसन ये समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।